प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषाचार्य पंडित नरेंद्रनाथ पांडे मध्य प्रदेश ग्वालियर से बोल रहा हूँ। जिस उत्साह के साथ, जिस प्यार के साथ, जिस प्रेम के साथ आप लोग मेरे प्रोग्राम को देख करके लाइक एंड सब्सक्राइब कर रहे हैं, फरमाइश कर रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद। दोस्तों, मेरा भी पूरा प्रयास है कि आपको कुंडली के बारे में अधिक से अधिक ज्ञान अपने वीडियो के माध्यम से प्राप्त करें। आपके सहयोग के लिए मेरे प्रत्येक वीडियो मेरा मोबाइल नंबर है, डिस्क्रिप्शन में भी है, फिर भी मैं बोल देता हूँ, मेरा मोबाइल नंबर 9494253081। दोस्तों, ये मोबाइल नंबर मैं बार बार अनुरोध करता हूँ, इसलिए देता हूँ कि व्यक्तिगत कोई भी हमारे वीडियो संबंधित प्रश्न हो तो आप करिए, मैं फ्री सेवा कर दूँगा। लेकिन अगर आप लोग अपने कुंडली के बारे में या अपने कुंडली के दूसरे ग्रहों के बारे में जानकारी आन लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो मुझसे संपर्क करिए, उसके लिए कुछ फीस आपको देना पड़ेगा, फीस देंगे तभी मैं आपका सहयोग कर पाऊँ। बहुत से मित्रों की फरमाइश आई है, आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। बुध शुक्र की युक्ति, कुंडली में बुध शुक्र की युक्ति किन किन भाव में अधिक लाभ देता है, किन किन घरों में अधिक लाभ देता है, इसको आप सुनिए। जिसकी कुंडली में दूसरे भाव में, लग्न से दूसरे भाव में, जिसके कुंडली में लग्न से दूसरे भाव में बुध शुक्र की युक्ति है, ऐसे लोग दूरदर्शी होते हैं, विद्वान होते हैं, समझदार होते हैं, इनमें कार्य करने की क्षमता होती है, सफल होते हैं। जिसकी कुंडली में लग्न से तीसरे भाव में बुध शुक्र की युक्ति है, क्या बात है दोस्तों, ये चरित्रवान होते हैं, इनमें दूरदर्शिता होती है, ये बचपन से ही तेजस्वी होते हैं, ये स्वयं निर्माण करने वाले होते हैं और अपनी पहचान स्वयं बनाते हैं। जिसकी कुंडली में लग्न से चौथे भाव में बुध शुक्र की युक्ति हो, ऐसे लोग राजा के समान सुख पाते हैं, ऐसे लोग शौकीन मिजाज के होते हैं, ऐसे लोग विद्वान होते हैं, ऐसे लोग सामाजिक कार्य करते हैं। जिसकी कुंडली में लग्न से सातवें भाव में बुध शुक्र की युक्ति हो, ऐसे लोग सेक्सी विचार के होते हैं, ऐसे लोग अपनी इच्छा से शादी करते हैं, अपनी इच्छा से पारिवारिक जीवन बनाते हैं, इनको सांसारिक सुख मिलता है और पूर्ण लाभ होता है। जिसकी कुंडली में लग्न से दसवें भाव में बुध शुक्र की युक्ति हो, ऐसे लोग उद्योगपति होते हैं, ऐसे लोग नेता होते हैं, सांसद होते हैं, विधायक होते हैं, करोड़ों रुपये अपने जीवन में बनाते हैं, कभी किसी के सामने नतमस्तक नहीं होते हैं, न कभी हाथ फैलाते हैं। जिसके कुंडली में लग्न से ग्रहमय भाव में बुध शुक्र की युक्ति हो, दोस्तों ऐसे लोग छोटी सी नौकरी करके उच्च पद की प्राप्ति करते हैं, छोटा व्यापार करके कई उद्योग के मालिक होते हैं, ऐसे लोग जीवन में जो कुछ भी इनके धन दौलत आता है स्वयं का बनाया हुआ रहता है, ऐसे लोग रंग से राजा बनते हैं और अपने जीवन में देश के अंदर, समाज के अंदर, परिवार के अंदर इतिहास बना देते हैं। ये छोटा सा वीडियो आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया, बुध शुक्र की युक्ति कुंडली के किन किन भाव में अधिक लाभ देता है, क्या लाभ देता है, क्या प्रभाव देता है, इसको सुनिए। इससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप करिएगा, मैं सहयोग करूँगा। इतना करते हुए वीडियो को समाप्त कर रहा हूँ। नमस्कार।